ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव रोड्स। अच्छा, ग्राम नेगेटिव रोड्स में वो वाले हम बैक्टीरियाज पढ़ेंगे जो कि एंटेरिक ट्रैक में अफेक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी कॉज करते हैं डिजीज़ एंटेरिक ट्रैक में या आउटसाइड ऑफ द एंटेरिक ट्रैक, जो भी है उसको हम क्या कहते हैं, एंटेरोबैक्टेरेशी। ठीक है, एंटेरिक ट्रैक में जो एक्ट करने वाला बैक्टीरिया उसको हम क्या कहते हैं, एंटेरोबैक्टेरेशी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ई कोलाई। ई कोलाई के जनरल करैक्टरिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें होता है ग्राम नेगेटिव रोड्स हैंगे। ठीक है, ग्राम नेगेटिव का तो आपको पता है ना, ग्राम स्टेनिंग पे जो कि पिंक कलर के स्टेन करते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। रोड्स इसलिए कहा गया कि उनकी शेप ऐसी है। ठीक है, फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं, लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं। ये वो कमेंसल है जो कि लोअर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। कुछ पोर्शन जो है ना ई कोलाई का वो पैथोजेनिक है, जो कि इसकी हार्मलेस स्टेन्स हैं वो विटामिन के प्रोड्यूस करती हैं और इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करती हैं बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये नॉर्मल कमेंसल है ह्यूमन बींग का। ई कोलाई जो है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उसकी कुछ उसकी सेल वाल में जो उसका सीरोटाइप प्रेजेंट होता है, कैप्सुलर के एंटीजन जो प्रेजेंट होता है, फिमरिल एफ है, फ्लेजरल एच एंटीजन, इन सब की वजह से उसको आगे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अब इसमें दिखाऊंगी कि ई कोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अभी हमने बात की है कैप्सुलर इसकी एंटीजन की, ये सारे फैक्टर जो है ना इसको वायरुलेंट बनाते हैं। ठीक है, फ्लेजेला से क्या है, मोबाइल हो जाता है। देखो, अगर एक जगह ये डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो ये मोबाइल होकर दूसरी जगह भी जा सकता है। ठीक है, दूसरे ऑर्गन में। कैप्सुलर इसकी के एंटीजन आपको दिखाई हुई है। ठीक है, लाइपोपॉलीसेक्राइड सेल वॉल का कंपोनेंट होता है वो, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें फिमरी प्रेजेंट है आपके सामने। ठीक है, ये फ्लेजरल एच एंटीजन है और इसके अलावा ये टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है। अब ई कोलाई डिजीज़ कौन से कॉज करता है, सबसे कॉमन डिजीज़ जो है ना, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूटीआई का। यूटीआई हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। ठीक है, इसके अलावा ये नियोनेटल मेनिनजाइटिस भी कॉज कर सकता है। नियोनेटल मेनिनजाइटिस हम किस चीज़ को कहते हैं कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको ब्रेन्स में, उसके ब्रेन में स्वेलिंग हो जाए, उसको हम नियोनेटल मेनिनजाइटिस कहते हैं। उस बच्चे को अब ई कोलाई कैसे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि उसकी माँ जो है वो बीमार हो, उसको यूटीआई हुआ हो, तो जो बच्चा जब बर्थ कैनाल से निकलेगा तो वो अफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, अच्छा आगे है हमारे पास ट्रैवलर्स डायरिया। ठीक है, ट्रैवलर्स डायरिया का मतलब है कि अब किसी ने कुछ दिन पहले सफ़र किया है और उसने अंडर कुक फूड खाया है तो उससे उसको डायरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, कुछ इसकी स्ट्रेन्स ऐसी हैं जो कि ब्लडी डायरिया भी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये जो है ना, आपको मैंने इसकी ट्रांसमिशन दिखाई हुई है कि ये बैक्टीरिया कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब किसी कैटल ने पैथोजेनिक ई कोलाई जो है उसको इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, उसने फिर उसके बाद कंटेमिनेट कर दिया इन्वायरमेंट को बाय फीकल एक्सक्रीशन। इन्वायरमेंट जब कंटेमिनेट हुआ तो वाटर भी कंटेमिनेट हुआ, फूड भी कंटेमिनेट हुआ। ठीक है, अब अगर खुराक को सही से धोया ना जाए या उसको पकाया ना जाए तो ये जो है ट्रांसमिशन हो सकती है पर्सन से पर्सन। ठीक है, वो क्या हुआ, इंसानों में ट्रांसफ़र हो गया, अब पर्सन से पर्सन भी ट्रांसफ़र हो सकता है ये, और इसके अलावा एनिमल से भी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। एनिमल से जानवरों से कैसे आ सकता है ये इंसानों में, या तो फार्म हाउस जो होते हैं वहाँ पे, या स्लाटर हाउसेज जहाँ पे ये कुर्बानियाँ वगैरह होती हैं, या ज़िबा होते हैं ये जानवर, वहाँ पर भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगा ये। अच्छा, अब हम इसके पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस आप लोगों के लिए, पैथोजेनेसिस वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए ये ऐड कर देती हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कौन सा डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, और ख़ास तौर पर लैब डायग्नोसिस, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ई कोलाई जो है ना इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, यानी कि जीआईटी में ये जो है डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा। अब सबसे पहले ये एडहेयर कर जाता है ऑर्गेनिज्म टू द सेल ऑफ जेजनम एंडीरियम बाय मीन्स ऑफ पिलाए। वो जो फिमरी आपको दिखाई थी उसका क्या फंक्शन है कि वो
सेल्स के साथ अटैच कर जाता है, इंटेस्टाइन के साथ जब वो अटैच करता है तो उसके पास ये पिलाए जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनसे अटैचमेंट होती है। जब बैक्टीरिया अटैच कर जाता है तो वो क्या करना शुरू कर देता है, एंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है, एंटेरोटॉक्सिन्स बनाना शुरू कर देता है। एंटेरोटॉक्सिन से क्या होता है, डायरिया होता है। अब ये टॉक्सिन्स किस तरह की होती हैं, एक होती हैं हीट लेबाइल टॉक्सिन और एक होती हैं हीट स्टेबल टॉक्सिन। मतलब हीट लेबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल जो होती हैं टॉक्सिन, उनका क्या फ़र्क है, एक वो जो हीट हीट से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, और एक वो जो हीट हीट से डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, सर्टेन थोड़ा सा इसमें यानी कि हीट लेबाइल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जबकि हीट स्टेबल में चेंज नहीं आता, ठीक है। हीट स्टेबल टॉक्सिन ऐसी होती हैं, सर्टेन एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई कॉज ब्लडी डायरिया बाय प्रोड्यूस शीगा लाइक टॉक्सिन। अच्छा, अब उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसी स्ट्रेन्स होती हैं जो एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन्स, यानी कि एंटेरो मतलब ये है कि आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, और हेमरेजिक मतलब वो जिससे ब्लड निकल रहा हो। कुछ ऐसी स्ट्रेन्स हैं इकोलाई की जो ब्लडी डायरिया भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एक इसको शीगा लाइक टॉक्सिन कहा गया है। शीगा लाइक टॉक्सिन इसलिए कहा गया है कि अभी आपने एक बैक्टीरिया पन्ना है शिघेला, ठीक है, इसलिए शीगा उसी से निकाला गया है वर्ड। इसमें जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती हैं और शिगाला जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है वो तकरीबन मिलती जुलती हैं, इस वजह से इसको क्या कहा गया है, शीगा लाइक टॉक्सिन बोला गया है, ठीक है। अब आ जाता है आगे हमारे पास एक सिम्टम है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या बेसिकली होता क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अब एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन है ना जो ई कोलाई की, वो ये कॉज करती है। अच्छा, आपको यहाँ मैं बताती चलूँ, स्ट्रेन्स होती हैं कुछ ई कोलाई की, एक है एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन, एक है हमारे पास इंटेरो इन्वेसिव, एक है हमारे पास इंटेरो पैथोजेनिक, एक है हमारे पास इंटेरो अच्छा आगे जाके आपको मैं ये बता देती हूँ, ठीक है, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा। कुछ स्ट्रेन्स होती हैं इसकी, ठीक है, इंटेरोहेमरेजिक है, अच्छा इंटेरोहेमरेजिक होती है, पैथोजेनिक है, टॉक्सीजेनिक भी है, इन्वेसिव भी है, ठीक है, ये सारी इसकी स्ट्रेन्स होती हैं। अब जो इंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन है ना वो ई कोलाई में क्या कॉज करती है, ब्लडी डायरिया कॉज करती है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसमें तीन चीज़ें आपने याद रखनी हैं, ये कब होती है, जब शीगा टॉक्सिन ब्लड में एंटर कर जाता है। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम का सिम्टम क्या है, अब इसमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। अब ये सारे आपने हमेशा याद रखना है कि हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो है वो जिसमें क्या होता है कि एंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ ईकोलाई प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये तब होता है जब शीगा टॉक्सिन एंटर कर जाती है ब्लड में। ये वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, इसमें हीमोलिटिक एनीमिया, तीन इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे उसमें ये होगा हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इतनी जल्दी बनते नहीं हैं जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो क्या कॉज करता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कॉज करता है। इसमें ये होता है कि आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ये क्या कॉज करता है, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, ये सारे इसके कॉजेज हैं, ये डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसके अलावा इसकी पैथोजेंसिस हमने अभी इंटेस्टाइनल ट्रैक की पढ़ी थी, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस ये कॉज करता है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या आता है कि कुछ सीरोटाइप्स हैं ई कोलाई की जो कि कॉज करते हैं यूटीआई। कौन सी सीरोटाइप्स, सर्टेन ओ सीरोटाइप्स, आपको बताया था ना ओ सीरोटाइप क्या है, के क्या है, ठीक है, कैप्सुलर एंटीजन है जो फ्लेजेलर एंटीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कॉज करते हैं, ई कोलाई में यूटीआई करते हैं, ठीक है। अब इनका क्या फंक्शन है कि पिलाए के साथ ये यूरिनरी ट्रैक की एपिथीलियम के साथ
अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, ईकोलाई का ये और सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी ईकोलाई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में, सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो कैप्सूल है ना इसका, ईकोलाई का और एंडोटॉक्सिन वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन सिस्टेमिक पैथोजेंसिस। एंडोटॉक्सिन और कैप्सूल, कैप्सुलोपोडीसेक्राइड जो है वो फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। अब अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट हो तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी फेगोसाइटोस नहीं होता, ठीक है। वो फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है और ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है कि वो वेरियस ऑर्गन्स में जाए और वहाँ पे जाके अपना डिजीज़ प्रोड्यूस करे, ठीक है। इस वजह से सिस्टेमिक इन्फेक्शन में ये मेनिनजाइटिस कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एंडोटॉक्सिन्स होती हैं ईकोलाई की, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड से ये क्या कॉज किया इसने, मेनिनजाइटिस। एंडोटॉक्सिन ऑफ ईकोलाई, जो एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होती हैं इसकी सेल वॉल में, वो क्या कॉज करती हैं, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस की तरह के फीचर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। जिससे फीवर होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये वो स्लाइड है जिसमें आपको बताया गया है कि हमारे पास ये मैंने सिर्फ आप लोगों को ना समझाने के लिए कि आप अगर कहीं पढ़ें कि हमारे एंटेरोटॉक्सिजेनिक ईकोलाई क्या है या कौन सा भी, ये इतनी डिटेल में हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए स्लाइड ऐड की है। अच्छा, एंटेरोटॉक्सिजेनिक ईकोलाई, एंटेरोपैथोजेनिक ईकोलाई, एंटेरोहेमरेजिक ईकोलाई, एंटेरोइनवेसिव ईकोलाई, ये सारी इसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। जो एंटेरोटॉक्सिजेनिक ईकोलाई है ना वो सिर्फ क्या कॉज करेगा, ये ट्रैवलर्स डायरिया, ठीक है। जो इंटेरो पैथोजेनिक है वो भी ऐसे ही कॉज करेगा, हेमरेजिक में ब्लडी डायरिया आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह इसकी आगे से टाइप जो है वो डिफरेंट होती जाती है, तो ये डिजीज़ इसकी भी ज़रा कॉम्प्लिकेट होती जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये है आपको एक छोटा सा इसकी पैथोजेनेसिस दिखाई है कि क्या होता है असल में। अब किसी कैटल ने या पिग है वैसे ये, उसने इंजेस्ट कर लिया पैथोजेनिक ईकोलाई, ठीक है। अब उसके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी इसकी कॉलोनाइजेशन होगी, रेस्पिरेटरी और अदर म्यूकोसल सर्फेसिस में इसकी कॉलोनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि जाके फिम्बरी के साथ अटैच हो जाते हैं म्यूकोजा के साथ, ठीक है। म्यूकोजा से फिर वो अंदर पैसेज इसका मतलब जाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, फेगोसाइटोस में इसको हेल्प करता है, ठीक है। ये फेगोसाइटोस नहीं होने देता, फिर ये एंटेरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो फिम्बरी है ना, ये इसको आगे मूवमेंट में भी हेल्प करती है, ठीक है। फ्लेजेला इसका होता है जिसकी वजह से ये मोबाइल है, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स होना शुरू कर जाती है, फिर ये सिस्टेमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, उसमें ब्लड में चला जाता है, तो सिस्टेमिक परसिस्टेंस एंड मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, और एंड में क्या होगा, शॉक एंड डेथ हो जाएगी, ठीक है। लोकलाइज इन्फेक्शन भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि सिर्फ इन्फेक्शन लोकलाइज हो। अब हम आते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या कॉज करता है, वाटरी डायरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, ज़रूरी नहीं है कि आप ये देखें इंटेस्टाइनल ट्रैक की क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, आउट ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक की क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, आपने ओवरऑल ही लिख देनी है, ठीक है। वाटरी डायरिया प्रोड्यूस करता है, और आपने इतना लंबा चौड़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि एंटेरोटॉक्सिजेनिक ईकोलाई जो है वो क्या कॉज करता है, वाटरी डायरिया, ठीक है। बस आपने ये लिखना है वाटरी डायरिया जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, 3 to 4 days में ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, डायसेंट्री लाइक सिम्टम्स। डायसेंट्री को, डायसेंट्री किसको कहते हैं, डायसेंट्री कहते हैं डायरिया विद ब्लड, ठीक है। डायरिया विद ब्लड उसको हम क्या कहते हैं, डायसेंट्री कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्पिंग्स होंगी और फीवर होगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ये एंटेरोहेमरेजिक ईकोलाई प्रोड्यूस करता है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पेपर में आए आपसे क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर पूछी जाए ईकोलाई की, तो आप सिर्फ ये लिखेंगे वाटरी डायरिया जो कि 3 to 4 days शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, डायसेंट्री लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है कि डायसेंट्री, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ब्लडी डायरिया, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो है वो क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एक है हमारे पास किडनी फेलियर, एक होता है हिमोलिटिक एनीमिया, एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। यानी कि प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है, और इसके अलावा जो है
प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज़ होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमोलिटिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी इसकी नस्बत के वो बनना शुरू हो, ठीक है। और इसके अलावा उसमें किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स। आपने क्या लिखना है, वाटरी डायरिया, डायसेंट्री लाइक सिम्टम्स और समटाइम हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन है, आपसे पूछा जा सकता है कि HUS कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको। अब आ जाते हैं हमारे पास आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये क्या कॉज करता है, UTI कॉज करता है, मेनिनजाइटिस कॉज करता है एंड सेप्सिस इन यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताएं क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है। आपने कहना है वाटरी डायरिया, ब्लडी डायरिया, ठीक है, सम स्ट्रेंस प्रोड्यूस ब्लडी डायरिया, उसके अलावा हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम प्रोड्यूस कर सकता है इसे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, और हिमोलिटिक एनीमिया और रीनल फेलियर, ये तीन चीज़ें उसमें आ गई। और इसके अलावा UTI कॉज कर सकता है, मेनिनजाइटिस और सेप्सिस इन यूनिट्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे मैंने आपको ये वाली मैंने पिक्चर सिर्फ इसलिए ऐड की है कि आपको मैं ये बता सकूँ कि ये जो है UTI कैसे कॉज करता है, ठीक है। इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, एक्यूट सिस्टाइटिस हो सकता है। एक्यूट सिस्टाइटिस का मतलब होता है कि ब्लैडर की इन्फेक्शन है, ठीक है। एंड पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि किडनी की इन्फेक्शन है। ये क्या कॉज करता है, एक्यूट सिस्टाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है अगर सिर्फ ब्लैडर की इन्फेक्शन हो, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊँ, ये रिट्रोग्रेड फैशन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये किडनी की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। इसी वजह से हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है कि ये किडनी पे इफेक्ट करके आपका रीनल फेलियर कॉज कर सकता है, ठीक है। अब हम इसके मे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम स्पेसिमन लेते हैं। स्पेसिमन हम क्या लेंगे, यूरिन ले सकते हैं, पस ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, CSF या स्टूल ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास स्पेसिमन आ जाएंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से पेशेंट जो है अफेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ईकोलाय, सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे उसकी, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग पे हमें पता चल जाएगा कि ग्राम नेगेटिव ब्रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। उसने स्टेन कौन सा लिया, ग्राम नेगेटिव लिया, और उसकी शेप कौन सी है, रॉड शेप है, ठीक है। ये ग्राम स्टेनिंग पे पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लैब डायग्नोसिस में कल्चर करेंगे। कल्चर हम सबसे पहले करेंगे ब्लड एगर पर। ब्लड एगर जो है ना उसमें ग्रेइश वाइट कॉलोनीज देते हैं, मोस्टली कलरलेस उसको कहती हैं, ठीक है। सम स्ट्रेंस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं इसमें हिमोलिसिस, ठीक है। ब्लड एगर पे ईकोलाय कलरलेस कॉलोनीज देता है, ग्रेइश वाइट कॉलोनीज देता है, उसको हम यही कहते हैं, ठीक है। मैकॉन की एगर जो है उसके ऊपर ईकोलाय जो है वो प्रोड्यूस करता है पिंक और रेड कॉलोनीज, ठीक है। और ये क्या होता है, लैक्टोज फर्मेंटर होता है। लैक्टोज जो भी पिंक और रेड कॉलोनीज, आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, मैकॉन की एगर जो है उसके ऊपर वो बैक्टीरिया पिंक और रेड कलर देता है जो कि लैक्टोज फर्मेंटर होता है। जो लैक्टोज फर्मेंटर नहीं होते वो क्या है, कलरलेस कॉलोनीज देते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है EMB एगर, ठीक है। EMB एगर ईओसिन मिथाइलिन ब्लू इसको कहते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कॉलोनीज देता है विद मेटालिक ग्रीन शीन, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये एक ग्रीन शीन, मतलब शाइनिंग सी वाली कॉलोनीज दी हुई हैं, ठीक है। जहाँ आपको ये कॉलोनी नज़र आ गई, आप क्या कहेंगे, ये ईकोलाय ने EMB एगर पे ये कॉलोनी प्रोड्यूस की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है हमारा दूसरा बैक्टीरिया जो आज हम कवर करेंगे, वो है हमारे पास सेल्मोनेला। सेल्मोनेला की इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव रोड है। अच्छा, ईकोलाय क्या था, लैक्टोज फर्मेंटर था, और ये लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, H2S गैस प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसमें भी कुछ ये एंटीजन्स हैं जो कि सेल वॉल एंटीजन है, O जिसको एक फ्लेजलर एंटीजन H है, और इसके अलावा इसमें कैप्सुलर एंटीजन जिसको हम वायरलेंस कहते हैं फैक्टर, ठीक है। इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, फूड या वाटर जो कि कंटेमिनेट हो चुका होता है बाई ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट से, ठीक है। सेल्मोनेला टाइफी जो है ट्रांसमिटेड ओनली बाई ह्यूमन से ही ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। एनिमल सोर्स इसमें क्या आ जाता है, पोल्ट्री एंड एग्स जो कि अंडर कुक्ड होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें आता है इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में ये एंटेरोकोलाइटिस कॉज करता है, ठीक है। एंटेरोकोलाइटिस कैसे कॉज होता है, बाई इन्वेजन ऑफ एपिथेलियल सब एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और डायरिया प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है।
मेन चीज़ ये कि आप यूज़ करते हैं टाइफॉइड फीवर, सेलमोनेला जो है आपसे पूछा जाता है कि क्या कॉज, कौन सा डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो आपने सबसे एंटेरोकोलाइटिस तो बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं ना, आपने पिछला जो पढ़ा ई कोलाई उसमें भी वाटरी डायरिया प्रोड्यूस हुआ, इसमें भी डायरिया प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टाइफाइड फीवर जो है वो सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या होता है सेलमोनेला, इसकी भी आगे जो दो टाइप्स हैं सेलमोनेला टाइफी और पैरा टाइफी, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं टाइफाइड फीवर, ठीक है। टाइफाइड फीवर में होता है बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना एंटर कर जाता है उसमें और मल्टीप्लाई करता है पायोपैचीज में और स्प्रेड कर जाता है, ठीक है, टू द लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, जिसकी वजह से बैक्टीरिमिया हो जाता है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ फीवर एंड सिम्टम्स। सेप्टिसीमिया दो कंडीशन में हो सकती है, या पेशेंट का अंदर अंडरलाइन कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जैसे सिकल सेल एनीमिया या कैंसर, या फिर चाइल्ड जो है उसको एंटेरोकोलाइटिस ऑलरेडी हो, ठीक है। बैक्टीरिमिया में होता क्या है कि उसमें बैक्टीरिमिया में स्प्रेड हो जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस, निमोनिया, मेनिनजाइटिस जो है वो कॉज हो सकते हैं। सेलमोनेला की क्लिनिकल फाइंडिंग सिंपल है, नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, बैक्टीरिया, डिलीरियम। ये होता है कि आपकी जो सोच है कि आपका माइंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप उसमें ठीक नहीं होती, ठीक है, आपका थोड़ा सा माइंड मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है। टेंडर एब्डोमन होता है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, रोज स्पॉट जो है वो उसमें कुछ सिर्फ बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन रोज़ कलर के स्पॉट जो है ना एब्डोमन भी आपको नज़र आएंगे। ल्यूकोपीनिया और एनीमिया हो सकता है, ठीक है, ये टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स हैं, अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें चिल, स्वेटिंग, माइल्जिया, मतलब जो मसल्स में पेन होती है, ठीक है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन है, रोज स्पॉट आपको आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोटेड, वाइट कोटेड टंग होती है, इसमें मलेस, हेडेक है, हिपेटो स्प्लीनोमगैली, यानी कि लीवर की इनलार्जमेंट भी हो सकती है, स्प्लीन इनलार्जमेंट भी हो सकती है। आगे हमारे पास आता है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में हमने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले स्पेसिमेन लेना है, स्टूल ले सकते हैं, ब्लड, बोन मैरो, यूरिन भी ले सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे। जब ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो वो वहाँ पे भी हमें क्या नज़र आएगा, ग्राम नेगेटिव रोड शेप बैक्टीरिया नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मेकॉनकी एगर। मेकॉनकी एगर में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है फर्मेंट नहीं करता लैक्टोज को, ठीक है, ये बैक्टीरिया ये कलरलेस कॉलोनीज देख सकता है, ठीक है, ये कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये फर्मेंट नहीं करता लैक्टोज को। ईएमबी एगर पे भी ये फर्मेंट नहीं करता, ठीक है, बस प्रोड्यूस करता है एसिड और ये ग्रे कलर की कॉलोनीज देता है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, ये ग्रे कलर की कॉलोनीज देता है ईएमबी एगर में, सॉरी। फिर उसके बाद है टीएसआई एगर में अल्कलाइन प्लांट होती है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ टीएसआई एगर क्या होता है, ये ट्रिपल शुगर आयरन होता है, ठीक है। TSI, ये आपको जो स्लोप नज़र आ रही है ना, ये वाला पोर्शन स्लोप वाला, इसको हम कहते हैं स्लांट, ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन होता है बट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अल्कलाइन स्लांट है इसकी, ठीक है, रेड कलर की, जो ब्लैक कलर की बट है वो क्या है, उसमें गैस की प्रोडक्शन हुई हुई है, वो ब्लैक कलर पता क्यों है, क्योंकि उसमें H2S की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। ये अल्कलाइन स्लांट और एसिटिक बट फ्रिक्वेंटली विद बोथ गैस एंड एच2S प्रोडक्शन, ब्लैक कलर जो है बट में वो यही इंडिकेट कर रहा है आपको। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं हम, इसमें वाइडाल टेस्ट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि इसमें हमने एंटीबॉडीज़ जो है ना IgG, IgM एंटीबॉडीज़ वो ओ या एच एंटीजन ऑफ द सेलमोनेला को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। एंड थैंक यू काइंडली, प्लीज़ सभी बच्चे आज मुझे असाइनमेंट बना के दिखाएंगे। जिसने ये लेक्चर सुना होगा उसको पता होगा कि मैंने असाइनमेंट दी है, ठीक है, जिसने नहीं सुना उसको नहीं पता होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि असाइनमेंट बनानी है और सबने सबमिट करानी है, ठीक है। असाइनमेंट में आपने इसके सभी के क्लिनिकल फीचर्स जो हैं और लैब डायग्नोसिस ये आपने लिखना है दोनों बैक्टीरियाज का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।